CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर प्रदेश में गायों के रखरखाव के लिए गौशाला सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के शीर्ष क्रम में है। सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से प्रदेश के सभी जनपदों में गौशाला का निर्माण करवाया ताकि सभी पशुओं का सुचारू रूप से रखरखाव की व्यवस्था हो सके। जिला सिद्धार्थनगर ये योजना सिर्फ कागजी कोरम पूरा करती नजर आती है। जनपद में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं सिर्फ हवा हवाई हैं। इस गौशाला में जिला प्रशासन की उदासीनता ही सभी गौवंशियों पशुओं के मरने का सबब बन रही है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जनपद के जोगिया थाना क्षेत्र स्थित सिरसिया का है, जहां बीमार गौवंशीय पशुओं को कौए नोच नोच कर उनकी आंख फोड़ दे रहे हैं तथा चोंच से उनके पूरे शरीर को लहूलुहान कर उन्हें मार डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। जब गाय कचर दे तो करे बाद उन्हें आज जब गिरी ने तो कौवा नोच ली आंख निकाल ले गए, उन्हें उठे दाव नहीं पाए। कितनी गाय अब तक मर गई यहाँ? लगभग कम से कम 7-8 मर गए। 7-8 कितने दिनों के अंदर? जब से गौशाला बना है तब से 7-8 गाय मर गई है। हाँ, आपका नाम? दयाराम। मर नहीं रही गाय, जैसे कुछ हल्का फुल्का बीमार हो रही है और बीमार होने पे सोने के मुड़े जैसे सर रख रही है जमीन पे, जमीन पे रखते ही कुछ जैसे पंछी कौए और बगले इत्यादि आके उसके आँख तुरंत नोचना शुरू कर दे रहे हैं और उससे घायल हो जा रहे हैं, इसलिए तड़प तड़प के मरना बड़ा मजबूरी हो गई। तो इसकी ये बात जो है आपने कही, अब तक कितनी गाय लगभग मर चुकी हैं? गाय भी चार गाय हैं ऐसी हो चुकी हैं अभी तक। अच्छा, हाँ, 3 महीने से 4 गाय हमारे यहाँ। बड़ी अव्यवस्था यहाँ पे है, ना पीने को पानी है गायों के लिए, ना शुद्ध चारा है। पानी के लिए हम व्यवस्था जो अपने स्तर से हमने पंप सेट के द्वारा यहाँ पे पानी चला जाता, लेकिन बाद में लिख के भी दिया गया है, बिजली विभाग को भी दिया, खंड विकास अधिकारी महोदय को मैंने लेटर भी दिया है, खंड अधिकारी महोदय ने एक्सीएन को भी दिया, लेकिन एक्सीएन ने एस्टीमेट बना के दिया, एस्टीमेट बना के रुपये की मांग की, रुपये हमारे स्तर से कोई मौजूद नहीं है, इसलिए न बिजली व्यवस्था हो पा रही है न मोटर की हो पा रही है। अगर बिजली की व्यवस्था हो जाती तो मोटर के द्वारा उसके द्वारा हम जो भी छोटी मोटी रहती तो हम अपने स्तर से व्यवस्था करके उसको पानी उपलब्ध करा देते, लेकिन उच्च स्तर से कोई व्यवस्था न होने के कारण हम कुछ करने में असंभव हो रहा है।